तो आपको इस तरह के बच्चे तो जरूर मिलेंगे। भाई तूने आइडियल गैस की इक्वेशन देखी और रिशोट जुड़े भाई तूने हाइपरबोला की देखी? नो यार शिट भाई यार शिट। दोस्तों सो फाइनली एग्जामिनेशन डे इज अराइव्ड। मैं जानता हूँ ये टाइम काफी क्रूशियल है, आपने काफी सारी चीजें सोच रखी होगी कि मुझे ये रिवाइज करना है। सो मैं बहुत जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा जो एट द एंड काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक अ पॉज फॉर अ सेकेंड, सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकॉन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्टली इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लेना, दो फोटोज रख लेना, एडमिट कार्ड की भी एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लेना, आधार कार्ड रखना मत भूलना, एंड इसके अलावा भी अगर उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं तो उन्हें ध्यान ज़रूर से रख लेना। एंड लाइक ट्राई कि आप एक दिन पहले एग्जाम सेंटर विजिट कर लो, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कि कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन और जिसके कारण हमारे पेपर पे इफेक्ट आए। एंड दोस्तों अब टाइम आ गया है कि हम धीरे धीरे पढ़ाई को छोड़ते जाएं। अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका पेपर है तो आज रात 7 से 8 बजे तक पूरी पढ़ाई को रैप अप कर दो, अच्छे से 8 घंटे की नींद लो। आई नो एग्ज़ाम के एक दिन पहले नींद आने में दिक्कत आ सकती है, मुझे पर्टिकुलरली जेई मेंस में तो नहीं पर जेई एडवांस में ये दिक्कत ज़रूर आई थी। सो व्हाट माय मेंटर सजेस्टेड कि रूम को पूरा डार्क कर लो एंड प्ले अ मेडिटेशन म्यूजिक फॉर 2 आवर्स एंड उसको प्ले करके सो जाओ। सो इट रियली हेल्प्स एंड इससे आपको एक दिन पहले कोई दिक्कत नहीं आएगी पर्टिकुलरली आपकी स्लीप साइकिल में। देन अगेन वन मोर पॉइंट टू रिमेंबर, ट्राई नॉट टू ईट ऑयली फूड 1 डे बिफोर द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड एग्जाम के दिन भी हमें आलू के पराठे खा के नहीं जाना है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल डे ऑफ द एग्जामिनेशन, तो आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करेंगे तो आपको इस तरह के बच्चे तो जरूर मिलेंगे। भाई तूने आइडियल गैस की इक्वेशन देखी और रिशोट जुड़े भाई तूने हाइपरबोला की देखी? नो यार शिट भाई यार शिट। तो इन्हें देखना है, स्माइल करना है एंड इग्नोर कर देना है, बिकॉज दोस्तों ये एक बड़ी एग्जाम है एंड इट्स नॉट अबाउट 1 or 2 फॉर्मूलाज। एक या दो चैप्टर्स भी आपके इस एग्जाम में आपका फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकते। तो हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, आपने पिछले 2 से 3 साल बहुत मेहनत की है एंड आपने पिछले 2 से 3 महीने जेई मेंस के लिए पर्टिकुलरली अपने पूरे एफर्ट्स डाले, तो श्योरली यू वुड गेट रिजल्ट्स फॉर दोज एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन एंड आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। एंड हमेशा ध्यान रखना कि ट्रैप नहीं होना एग्जामिनेशन में, कुछ ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे जिन बहुत लेंदी होंगे जिनका आंसर्स मैच नहीं कर रहा होगा, तो वी नीड टू एक्ट स्मार्टली, उन्हें उसी समय छोड़ के आगे बढ़ना है, एक बार का पेपर पूरा देखना है एंड ट्राई टू अटेम्प्ट पेपर इन राउंड्स, ज़्यादा राउंड भी नहीं बढ़ाने बट हाँ एंड एक बेसिक आइडिया भी ज़रूर रखना टाइमिंग का ताकि हम हमारा पेपर छूटे ना। सो दोस्तों दीज वर ऑल द मेजर पॉइंटर्स जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड वन मोर थिंग, अब ट्राई करो कि आप अपने पेरेंट्स और मेंटर्स के अलावा किसी से बात ना करो एंड उनसे भी एग्ज़ाम के अलावा कोई भी दूसरे टॉपिक पे बात करो। इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप कोई कॉमेडी वीडियो देख सकते हो बट मैं पर्सनली नहीं देखता था बिकॉज ये चीज़ें मेरे दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती थी। सो ट्राई कि आप अपने पेरेंट्स एक थोड़ा चिल सा माहौल घर में बना के रखें एंड ऑल द बेस्ट, यू वुड श्योरली डू योर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन।